हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रोजनी ओडिशा। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे उड़द दाल का पापड़। तो उड़द दाल के पापड़ बनाने के लिए ये हमारे पास उड़द दाल है, ये इसका छिलका नहीं है, ये व्हाइट वाला उड़द दाल है। तो ये 1 कप मेरे पास है, 1 कप उड़द दाल है। तो इसको हम पीस के एक अच्छा सा पाउडर बनाएंगे। ये देखिए, ये हमने पाउडर बना लिया है और इसको छान लेना अच्छे से। तो ये छान के हमने रखा है, ये 1 कप उड़द दाल का पाउडर है। और उसके साथ हमारे पास ये ब्लैक पेपर है, दरदरा पीसना है। और उसके साथ ये हमारे पास जीरा है, 1/2 टेबल स्पून ये जीरा है। और उसके साथ हम ये हींग डालेंगे। और ये पापड़ का सोढ़ा है, तो इसको हम डालेंगे, ये 1/2 टीस्पून से भी थोड़ा कम है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हमारा रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मैंने उड़द दाल के पाउडर को इस प्लेट में निकाल दिया है। अभी हम इसमें थोड़ा सा हींग डालेंगे, उसके साथ ये जीरा को डाल देंगे, ये ब्लैक पेपर को डाल देंगे। इसको अभी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम गर्म पानी का यूज करेंगे। और अभी हम इस कप में ये पानी ले रहे हैं, और इसमें अभी हम ये पापड़ का जो सोडा है हम ये डालेंगे इसमें, और इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे। तो इसका अभी हम एक अच्छा सा डो बनाएंगे, सॉफ्ट नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा हार्ड डो बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी देंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये 1 कप पानी से मैंने आधा से थोड़ा ज्यादा पानी डाला है इसमें। ये देखिए, ये इस टाइप का होना चाहिए, इस टाइप का हार्ड होना चाहिए। ये अगर हाथ में ऐसे चिपक रहा होगा तो आप इसमें थोड़ा सा तेल डाल सकते हो। फ्रेंड्स देखिए, डो इस तरह का होना चाहिए। अब जब रोटी के लिए आटा गूंद रहे होगे तो वो ज़्यादा सॉफ्ट होता है, ये थोड़ा सा हार्ड होगा, आटे से ज़्यादा हार्ड होना चाहिए ये। ये देखिए इस तरह से, अगर आपके हाथ में चिपक रहा होगा तो अपने हाथ में थोड़ा सा तेल लगा सकते हो। और इसको अभी हम 30 मिनट्स के लिए रखेंगे, ये इस तरह से इसमें कवर करके रखना होगा इसको 30 मिनट्स के लिए। ऐसे ही बंद करके रखेंगे और फिर 30 मिनट्स के बाद हम इसको बेलेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए, ये अभी 30 मिनट्स हो चुका है। ये देखिए, अभी हम इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, ऐसे ही करेंगे इसको 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि तेल इसके अंदर जा सके। ये अभी हो चुका है, इसको इस तरह से रोल कर लेंगे और फिर इसके बाद इसको कटिंग कर लेंगे छोटे छोटे स्लाइस में। ये देखिए, इस साइज में ही हम निकालेंगे, देखिए इस साइज का। ये देखिए, अभी हम इसको बेल देते हैं। फ्रेंड्स आप चाहो तो इसमें उड़द दाल का पाउडर डाल के ऐसे बेल सकते हो। ये फ्रेंड्स, इस तरह से ही हमको बनाना है, पूरी तरह से पतला बना। अभी हम सारे पापड़ इस तरह से बेल लेते हैं और इसको अभी हम धूप में रखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बाहर कितना ज़्यादा धूप है। तो अभी हम अपने पापड़ को सुखा लेते हैं यहाँ पे इस तरह से नीचे। आप कुछ भी डाल सकते हो, ये मैं पॉलीथिन डाल रही हूँ। और इस तरह से हम पापड़ को सुखा लेंगे, ये एक दिन में ही रेडी हो जाएगा। ये रहा हमारा लास्ट पापड़, ये हमारा पापड़ अभी रेडी हो चुका है। तो अभी हम इसको फ्राई करते हैं।
देखिए ये घर का पापड़, ये घर का पापड़ अभी रेडी हो चुका है। ये देखिए, तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये पापड़ की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।